दिलीप जी एक रैपिड फायर हो जाए। पहला रैपिड फायर जो है वो तारक मेहता का उल्टा चश्मा पे लेना चाहूंगा आपके साथ। अच्छा, हमने सब कैरेक्टर्स को देखा है लेकिन आप रियल सेल्फ जानते हैं सबका, तो हु इज द मोस्ट मिस्चीवियस कैरेक्टर ऑन सेट? इट हैज टू बी चंपकलाल। अच्छा हाँ, बहुत मस्तीखोर है और आजाद भाई तो अभी नहीं रहे, बाकी आजाद भाई के साथ तो उनकी जो मस्ती चलती थी वो तो देखने लायक थी। मतलब सेट पे सब लोग इतना एंजॉय करते थे कि वो दिखते हैं इतने, मतलब सोशल मैसेज देते हैं सीरियल में, इतने बाबूजी इतने सुलझे हुए हैं, उनको आप ऑफ स्क्रीन देख लो तो लगेगा कि अरे भाई ये बापूजी है। नहीं लेकिन बहुत ही मजेदार है अमित, और मैंने जो लास्ट दो प्ले किए थे तो दोनों प्ले में वो मेरे साथ थे, तो थिएटर भी मैंने कहीं पढ़ा भी था एक बात कि उन्होंने एक जगह लिखा था, मैंने बोला था शायद कि आप ही थे जिन्होंने उनको इस शो में लाया है, आपने इंट्रोड्यूस कराया था उनको। हाँ, उनका नाम मैंने सजेस्ट किया था जब कास्टिंग हो रही थी, तो आसिफ भाई को मैंने उनका नाम सजेस्ट किया था और लकीली फिर उनका वीडियो टेस्ट हुआ और पसंद आ गए वो और सिलेक्ट हो गए। तो सबसे मिस्चीवियस है हमारे चंपक चाचा जी। अच्छा, हु इज सबसे आलसी? कौन है आलसी? तो मतलब थोड़े ढीले टाइप के, कम एकदम से एकदम एक्टिव ना होने एकदम से, ऐसा तो कोई, क्योंकि अदरवाइज तो ये 3000 एपिसोड हो नहीं पाते। लेकिन फिर भी होता नहीं, पता चलता है स्वभाव से थोड़ा सा, जिसे वक्त मिला तो एकदम से रेस्ट ले लिया एकदम से ऐसा। नहीं वो, हाँ वो आजाद भाई बिकॉज ऑफ हिज फिजिकल कंडीशन तो डेफिनेटली वो, मतलब उनको कभी कभी ये होता था कि भाई थोड़ा करके फिर वो बैठ जाते हैं शांति से कहीं एक जगह बैठ जाए, ज्यादा खड़े। लेकिन बहुत हिम्मत दिखाई है उन्होंने, बहुत हिम्मत दिखाई। बिल्कुल, उस शरीर उस वजन के साथ कितने चुस्त रहते थे, कितना जोश दिखाते थे एक्टिंग में, मतलब पता नहीं चलता था कि वो इंसान अंदर से क्या सह रहा होगा। अच्छा, हु इज द मोस्ट फूडी? कौन सबसे ज्यादा खाना पसंद करता है सेट पर? वैसे तो बहुत सारे हैं, सभी फूडी है देखा जाए तो, लेकिन हमारे श्याम भाई है पोपटलाल जी। अच्छा, तो हाँ उनको तो मतलब काफी शौक है, पर हम सब साथ में ऑलमोस्ट बैठ कर एवरी डे, मैं अपने भिड़े भाई है, मंदार है, पोपटलाल है, चंपक चाचा है, तो हम सब ऑलमोस्ट लंच साथ में बैठ के करते हैं। अच्छा, मोस्ट पंक्चुअल एंड डिसिप्लिन कौन है? हालांकि शो में तो भिड़े से साहब बहुत डिसिप्लिन और पंक्चुअल है, लेकिन वैसे रियल लाइफ में सेट में कौन मोस्ट पंक्चुअल और डिसिप्लिन है? काफी लोग, बहुत 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 लोग, काफी सारे, मतलब मैं कहूँगा जो भिड़े हैं वो रियल लाइफ, मतलब शूटिंग पे भी एकदम पंक्चुअल है। चंपक चाचा अमित भाई है, वो तो बिफोर टाइम आ जाते हैं। फिर लेडीज में सारे जो है अपने माधवी जी हैं, सोनालिका जी हैं, या अंबिका जी है जो मिसेस कोमल। हाँ, आप शो कैरेक्टर के नाम लीजिए, हमें समझ तभी आ पाएगा। तो ये सब बहुत ही, मतलब बहुत ही पंक्चुअल और वेरी डेडिकेटेड, वेरी डिसिप्लिन्ड, मैं समझता हूँ पूरी टीम ऑलमोस्ट इज वेरी डिसिप्लिन एंड वेरी डेडिकेटेड, इसीलिए इतना लंबा ये चल पाया है, क्योंकि अदरवाइज तो ये नामुमकिन है। और भगवान की कृपा से ऐसा है कि किसी हमारे किसी के बीच में कोई ईगो प्रॉब्लम भी नहीं है, मतलब एवरीबडी इज ग्राउंडेड, एवरीबडी, कोई ये नहीं है कि भाई चलो मेरी साड़ी उसकी साड़ी से, उसकी साड़ी मेरी साड़ी से सफ़ेद कैसे, तो ऐसा कोई वो नहीं है कि भाई, मतलब इतनी लेडीज आर्टिस्ट होने के बावजूद आमतौर पर झगड़ा वहीं से शुरू होता है कि भाई किसी का मेकअप या ड्रेस या उसको लेकर के छोटी छोटी चीज़ों पर टचूट, ये हमारे यहाँ इतनी मतलब सुलझी हुई हैं सारी लेडीज और पूरी टीम कि कोई इस तरह के कोई झगड़े है ही नहीं। अच्छा, लेकिन जो हालांकि हर किसी का कैरेक्टर कॉमिक है इसमें, लेकिन फिर भी रियल लाइफ में सीरियस कौन है? जैसे शो खत्म, मतलब शूट खत्म हुआ एकदम से अपने मूड में आ गए तो सीरियस इंसान है, मतलब गंभीर इंसान है बहुत? गंभीर तो नहीं, ऐसा तो कोई है नहीं कि भाई सभी खत्म हुआ और सभी, हाँ एवरीबॉडी इज वेरी जोवियल एंड मतलब खत्म हुआ, मतलब सब रियल लाइफ कैरेक्टर, मतलब जो शो के कैरेक्टर हैं रियल लाइफ से मैच करते हैं सबके, मतलब सब ऐसे जोवियल हैं। हाँ जोवियल तो डेफिनेट, क्योंकि कॉमेडी में अगर आप आपकी खुद की पर्सनालिटी अगर जोवियल नहीं है तो आपको आपके काम में कैसे उतार पाएंगे।
तो क्योंकि वो सीरियस बंदा तो फिर वो कॉमेडी नहीं कर सकता, मुझे नहीं लगता कर सकता है, क्योंकि आपको भी कॉमेडी की समझ होनी चाहिए ना, आप भी अगर आपके ऊपर किसी ने जोक क्रैक किया तो आपको भी हंसी आनी चाहिए। अच्छा, अब अगर आपको इन सब कैरेक्टर्स के बारे में एक लाइन में बताना पड़े रियल लाइफ में भिड़े, तो क्या कहेंगे भिड़े जी के बारे में? वेरी प्रोफेशनल। अय्यर साहब? अय्यर साहब उनके बारे में क्या कहें, डेडिकेटेड। मतलब रियल लाइफ में भी आपकी अय्यर की बनती है या शो जैसा ही चलता है? नहीं नहीं नहीं, अरे बिल्कुल बिल्कुल बनती है, बिल्कुल बनती है। कोई मेहता साहब? मेहता साहब तो कभी इंसान है, तो एक वर्ड में तो उनको का मल्टीफेसेटेड पर्सनालिटी है, तो एक वर्ड में उनको बांधना मुश्किल होगा। सोडी? सोडी जी मस्त मौला, मस्त मौला। पोपटलाल जी? पोपटलाल जी वो भी क्या कहेंगे, ही इज आल्सो अगेन डेडिकेटेड, वेरी वेरी सीरियस विथ हिज वर्क। और अब्दुल जी? अब्दुल जी वो भी मस्त मौला है। क्या बोलते हैं, हाँ फिरते राम, वो वैसे तो बैठे रहेंगे सेट पे, लेकिन जब उनका शॉट आएगा तब उनको ढूंढना पड़ता है, पता नहीं कहाँ कहीं कहाँ छुप जाते हैं। अच्छा, और माधवी भिड़े जी? माधवी जी अगेन वेरी डेडिकेटेड एंड वेरी सिंसियर, माधवी जी कोमल जी दोनों। और सुंदर मामा, जिनके बारे में तो आपका शो में बड़ा उनके बारे में? सुंदर मामा, हाँ नहीं, मयूर जो सुंदर है वो भी वेरी डेडिकेटेड है, वो भी बहुत, और वो आपको शायद पता है पता नहीं, बट बाय प्रोफेशन इज अ स्कल्प्टर। मैंने देखा, मैंने फॉलो किया इंस्टाग्राम में, मैं हैरान हो गया उनकी आर्ट और उनकी स्कल्प्चर्स देख के, बहुत ही खूबसूरत बनाते हैं, तो बहुत ही टैलेंटेड है वो। अच्छा, और नट्टू काका और बागा के लिए क्या कहेंगे आप? नट्टू काका और बागा, तो बस नट्टू काका तो क्या कहेंगे, वेरी पायस मैन एंड सबके लिए हमेशा वो, मतलब उनके दिल में किसी के लिए कोई बुराई है ही नहीं, मतलब सबका लिए वो अच्छा ही सोचते हैं। और बागा है, बागा ही इज अ वेरी वेरी नाइस पर्सन, वो भी मेरे पिछले दो प्ले में साथ में थे वो। अच्छा, उनको आप ऐसे खड़ा रखते हैं, उनकी बैक में उनको प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन वो हमेशा ऐसे ही रहते हैं शो में, जितने भी शॉट्स होते हैं कभी कोई शॉट लंबा भी होता है कि ऐसा है कि भाई एकदम से वो सीधे हो जाते हैं बाद में? हाँ नहीं, ही हैज टू टेक केयर, क्योंकि वो काफी योगा वगैरह करते हैं, बैक का काफी तो होता है, तकलीफ होती है उनको कभी लंबे समय तक, कोई लंबा सीन चला तो डेफिनेटली उनको तकलीफ होती है बैक में, बट वो काफी केयर करते हैं। तो वही है कि सब लोग देखिए बहुत मेहनत करते हैं ये लोगों को हंसाने के लिए, और मतलब पर्सनल सैक्रिफाइसेस भी बहुत लोगों ने, सब आर्टिस्ट ने की है बहुत। अच्छा, आपका पर्सनल फेवरेट को-स्टार कौन है इस शो में? ऐसा मतलब आई कैन नॉट पिक एंड चूज, बट एवरीबॉडी इज अ फेवरेट को-स्टार, बिकॉज सबके साथ काम करने का इतना मजा आता है। और आई वुड डेफिनेटली ये मैं जरूर कहूंगा कि जब हम सबका एक साथ में सीन होता है ना, जब मतलब सीन में सभी लोग होते हैं, वो दिन मुझे बहुत अच्छा लगता है कि एक तो मैं सबसे मिलने का मौका मिलता है, अदरवाइज क्या होता है कि दो दो तीन तीन आर्टिस्ट का अगर सीन होता है तो हम सिर्फ दो तीन लोग ही होते हैं सेट पे, बाकी लोग नहीं होते, लेकिन जब पूरी टीम जब एक साथ जमा होती है तो एक फेस्टिवल सा माहौल होता है, और तो इतना मजा आता है, ज्यादा मजा आता होगा सब साथ होते हैं आउटडोर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ज्यादा आउटडोर हुए नहीं है, पर ये हमारा जो ये गोकुलधाम सोसाइटी का सेट है वो कोई आउटडोर से कम नहीं है, वो आउटडोर ही है। अच्छा, आपको हाँ या ना में जवाब देना है, जो जलेबी फाफड़ा आती है वो आप शूट के शॉट के बाद नहीं खाते? कभी कभी खाता हूँ, कभी कभी नहीं खाता। डिपेंड्स। अच्छा, फेवरेट है आपकी? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मुझे एक ही बार सौभाग्य प्रताप प्राप्त हुआ, मैं जब 2010 और 11 के बीच में मैं गुजरात में ही था, तब काइट फेस्टिवल था, और उस दौरान मेरे को मौका मिला था, मैं ट्रैवल कर रहा था कहीं पर, तो रस्ते में रुका था, तो वहां पर ये चीज बन रही थी स्पेशली उस दिन के लिए, तो मैंने उस दिन बहुत इंजॉय किया। जी जी जी,
अच्छा कभी ऐसा हुआ है लेट नाइट शूट के बाद गोकुलधाम सोसाइटी में ही सो गए सब? नहीं ऐसा तो कभी नहीं हुआ है। वो जो सेटअप सेट है वो सिर्फ सेट के लिए है, कभी वो सोया नहीं वहां पर? नहीं नहीं नहीं। अच्छा जो आप सूरज जल देते हैं वो स्क्रिप्ट का पार्ट नहीं है, वो आपकी पर्सनल लाइफ है? पर्सनल लाइफ भी है पर स्क्रिप्ट का पार्ट भी है, क्योंकि वो आसिफ भाई भी, जी जी आसिफ भाई भी बहुत स्पिरिचुअल है और जब आई थिंक फर्स्ट एपिसोड से उन्होंने वो रखा था, पर ऑफ कोर्स कि उसमें स्क्रिप्ट में तो ऐसा यही लिखा होता है कि ये जेठालाल सूरज दादा को जल अर्पण करता है, उसमें श्लोक नहीं लिखे, उस श्लोक मैं अपनी ओर से बोलता हूँ क्योंकि मैं रोज जल वैसे ही अर्पण करता हूँ, रोज बोलता भी हूँ, तो मेरे लिए तो ये और भी सौभाग्य की बात है कि शो में भी ये मुझे मौका मिलता है सूर्यदेव की आराधना करने का। आपको इतना समझ आ रहा होगा मैंने कितना बारीकी से देखा है शो। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा अब के जो हाथी जी हैं जो किरदार निभा रहे हैं और जो पहले थे, इनमें से कौन आप किसको ज्यादा आपको प्रभावित करते हैं? एक्चुअली जो निर्मल जो अभी जो आए हैं ही वॉज दी ओरिजिनल हाथी, पहले एपिसोड सबसे 3-4 महीने तक उन्होंने किया, फिर बिकॉज ऑफ सम पर्सनल रीजन ही हैड टू लीव द शो एंड फिर अभी वापस देखिए उनकी भी कुंडली कितनी गजब होगी कि उनका वापस आना और वो भी इतने सालों के बाद और उसी रोल में, तो ये तो मतलब ये गजब की कुछ डेस्टिनी है यार, ये कुंडली इस शो की भी कुछ कुंडली कुछ गजब की है गजब। तो तो दोनों के लिए आप ऐसे कंपेयर नहीं कर सकते आपने? नहीं कंपेयर तो करना मुश्किल क्योंकि सी एवरी एक्टर इज इंडिविजुअल, एवरी इज अ डिफरेंट आर्टिस्ट, तो सब अपने का काम करने का तरीका अलग होता है सबका, तो दोनों को कंपेयर करना तो मुश्किल है। चलिए कोई बात नहीं। अच्छा ओल्ड टप्पू और न्यू टप्पू योर फेवरेट? सी अगेन इट्स द सेम थिंग बिकॉज इफ आई पिक एंड चूज एनी वन इट विल बी रॉन्ग फॉर द अदर वन, सो एवरीवन सी देखिए इसमें क्या होता है कि हर कलाकार नहीं ट्यूनिंग के बेसिस पर मैं कहूं, अगर आपकी ट्यूनिंग के बेसिस पर कहूं तो फिर क्या कहेंगे? नहीं ट्यूनिंग तो दोनों के साथ मेरी बहुत अच्छी, ये भी राज के साथ भी अच्छी ऑफ कोर्स, और भव्य के साथ तो इतने साल मतलब हमारे सामने ही बड़ा हुआ है वो, बड़ा हुआ है बिल्कुल, तो वो एक बॉन्डिंग जो है वो तो डेफिनेटली वो एक स्पेशल बॉन्डिंग रहेगी ही, उसको तो आप नकार नहीं सकते, बट राज भी थोड़े से टाइम में वो भी बहुत अच्छा लड़का है, बहुत ही वेल बिहेव वेल मैनर्ड है, तो उसके साथ भी बहुत अच्छे से, वो भी अच्छे से हमारी टीम के साथ घुल मिल गया है, बहुत अच्छे से सेट हो गया है, तो उसके साथ भी मतलब कोई इसे दिक्कत नहीं आती है कोई सीन करने की, मतलब मजा आता है, बट डेफिनेटली वी मिस भव्य कि इतने साल का एसोसिएशन रहा है तो, बट राज भी बहुत अच्छे तरीके से सेट हो गया है हमारे इसमें फैमिली में। अच्छा ये जो गड़ा इलेक्ट्रॉनिक है ये रियल लाइफ में किसकी है, ये सेट का पार्ट है या नहीं? इट्स एन एक्चुअल शॉप, तो ये खार में है, खार डांडा में, और उनके जो ओनर है बहुत ही मजेदार इंसान है और वो भी इतने डाउन टू अर्थ है, और जब भी हमारी शूटिंग होती है वहाँ पे तो पूरा दिन वो दुकान बंद रखते हैं। इसके पीछे भी कोई कहानी कि पर्टिकुलरली वही शॉप अपने लिए कोई पहले जान पहचान थी या कोई सेट तो मतलब किया जा सकता था? हाँ पर ये उसको मेंटेन करना मुश्किल होता है ना कि लाइव आपको ये टीवी सारे चल रहे हैं तो ऐसा सेट, क्योंकि इस दुकान के सीन तो क्या है बहुत, कभी महीने में 3-4 दिन आए तो आए, ऐसा डिपेंड्स ऑन द कहानी ऑन द स्टोरी, तो पूरा लंबे टाइम तक सेट मेंटेन रखना मुश्किल हो जाता है। अच्छा कुछ क्वेश्चन आपके पर्सनल लाइफ के, आर यू अ मॉर्निंग पर्सन और लेट नाइट पर्सन? जब भी ऐसा मौका मिलता है, मतलब आई लव अर्ली मॉर्निंग, आई लव टू सी सनराइज, तो जब भी मौका मिलता है, जबकि ये अभी तो फिलहाल 7 बजे की शिफ्ट होती है रोज हमारी, तो 5 बजे तो उठना ही पड़ता है, तो बहुत ही मजा आता है सनराइज, अलग अलग सनराइज देखने का। अच्छा थिएटर टीवी और फिल्म अगर मॉनेटरी चीज हटा दी जाए तो सबसे दिल के आपके करीब क्या है? डेफिनेटली थिएटर। कोई एक ऐसा कैरेक्टर जो आप सच में प्ले करना चाहते हो?
नहीं, मैंने कभी ऐसा इस तरह से मैंने कभी सोचा नहीं है, क्योंकि मैंने हमेशा भगवान ने जो मुझे दिया वो मैंने अपनाया और उसको करते गया। कभी मैंने ऐसा प्लान नहीं किया कि अरे ये रोल मिल जाए तो मैं इसको ऐसे करूँगा, तो वो मिल जाए तो ऐसे करूँगा, तो कभी प्लान नहीं किया है कभी कुछ। अच्छा, खाली वक्त में बुक रीड करते हैं कि मूवी वॉच करते हैं? तो जब भी वक्त मिलता है तो मैं प्रमुख स्वामी जी का जीवन चरित्र है वो मैं पढ़ता हूँ, और भी कोई अगर शूटिंग में भी, लंच में भी, कभी अगर हम लोग मान लो कभी मैं अकेला हूँ, मतलब और कोई आर्टिस्ट नहीं है उस दिन, तो मैं मोबाइल में यूट्यूब में खाना खाते वक्त भी थोड़े प्रवचन सुन लेता हूँ। तो इस तरह से थोड़ा सा वक्त का भी मतलब सदुपयोग हो जाता है। कभी आप पॉलिटिक्स ज्वाइन करेंगे फ्यूचर में? क्योंकि मैंने आपको देखा है कि आपने राजस्थान में बीजेपी के लिए कैंपेनिंग की थी 2018 में। नहीं, पॉलिटिक्स तो मेरे बस की बात नहीं है। बट ये हाँ, ये है कि किसी ने अगर ऐसे वो होता, कोई जान पहचान वाले होते और अगर जिनको अभी हम मना नहीं कर सकते ऐसा होता है तो, बट आई ट्राई एंड अवॉइड, मतलब ये कैंपेनिंग भी, बिकॉज इट्स वेरी टायरिंग एंड वेरी डिफिकल्ट ऑल्सो, रोड शो करना है 5-5, 6-6 घंटे धूप में वो जाना वगैरह। बट हाँ, जब भी कोई ऐसा होता है तो, बट ना आई एम नॉट, पॉलिटिक्स इज नॉट माई कप ऑफ टी। जब गुजराती फूड और मराठी फूड, अब तो कितने साल हो गए महाराष्ट्र में रहते हुए, तो विच फूड यू प्रेफर? नहीं नहीं, ऐसे तो आई प्रिफर ऑल फूड, मतलब मेरे को केरला का फूड भी अच्छा लगता है, साउथ इंडियन भी अच्छा लगता है, गुजराती, राजस्थानी। गुजरात का आपका जन्म है और महाराष्ट्र में आप रह रहे हैं, तो इन दोनों में अगर चूज करते हो तो कौन सा फूड आपको ज्यादा पसंद है? नहीं देखिए, वो तो डिपेंड करता है, अभी देखिए आप हर रोज तो एक नहीं खाएंगे ना, मतलब रोज आपको कुछ अलग अलग तो पसंद आएगा ही आएगा, तो उसमें से एक चीज सिलेक्ट करना कि हाँ नहीं नहीं ये दोनों में से तो मैं यही खाऊंगा जिंदगी भर, वो तो पॉसिबल है नहीं ना। अच्छा, नरेंद्र मोदी जी से आप मिले हैं और गुजरात से ही हैं वो भी, तो नरेंद्र मोदी से मिलने के बाद उनके जीवन की कोई भी तीन चीजें जो आपको बहुत प्रभावित करती है, या कोई भी एक चीज जो बहुत प्रभावित करती है? नहीं, एक तो देखिए सबसे जो चीज है कि जो उनका जो डेडिकेशन है और जो मेहनत वो कर रहे हैं वो, मतलब इट इज अनसीन कि भाई इतने घंटे कोई एक इंसान मतलब निस्वार्थ भाव से अगर सिर्फ देश की सेवा करने के लिए, वो बीच में मैंने कहीं पढ़ा था कि वो कुछ ऐसा कुछ वो कुछ योग ट्राई करना चाहते हैं कि जिसमें वो कम से कम नींद ले पाए और ज़्यादा से ज़्यादा वक्त वो जागृत रह करके ये अपना काम कर पाए। तो ये थॉट ही, मतलब ये, मतलब आम तौर पे किसी इंसान को, मतलब नॉर्मल इंसान को तो आ ही नहीं सकता कि भाई मैं सिर्फ दिन का 1 घंटा सोऊं और बाकी के 23 घंटे मुझे देश के लिए काम करना है, देश की सेवा करना है। तो ये तो वाकई में बहुत मतलब बड़ी बात है, और बस भगवान उनको लंबी उम्र दे और वो हमारे देश के लिए बस और ज्यादा से ज्यादा सेवा करते रहे। Who is your favorite actor in the industry? Definitely बच्चन साहब, उनको देख के बड़े हुए हैं और मैं तो उनका मतलब एक आदर्श के तौर पे देखता हूँ उनको, कि उन्होंने जिस तरह से ऑन स्क्रीन और ऑफ स्क्रीन अपने आप को जिस तरह वो प्रेजेंट करते हैं, जिस तरह कंडक्ट करते हैं, बहुत सारी चीजें सीखने लायक है उनसे, कि मतलब इतनी ऊंचाई पे पहुंचने के बाद भी इतनी ह्यूमिलिटी, इतना हम्बलनेस, मतलब ये बहुत मुश्किल होता है, बहुत ही मुश्किल होता है, और इतना ये उम्र भी और इतना काम के प्रति इतना पैशनेट होना। और जैसे ये सोशल मीडिया में भी आप देखते हैं, मतलब काफी टाइम से वो, मतलब जो नया दौर है उसको भी उन्होंने किस तरह से एक्सेप्ट कर लिया, अपने आप को चेंज कर लिया है, तो ये वाकई में बहुत कुछ सीखने लायक है उनसे। अच्छा, फेवरेट फिल्म जो आप कितनी बार देख सकते हैं? ऐसी तो मुझे लगता है शोले है, और
सागर एक फिल्म है रमेश सिप्पी साहब की, वो भी मुझे बहुत पसंद आई थी, उसके गाने, क्योंकि आर डी बर्मन जी मेरे फेवरेट है और किशोर कुमार, आशा भोसले जी, ये तीन का कॉम्बिनेशन तो कांट गो रॉन्ग। अगर आपको पास्ट में जाकर कुछ बदलने का मौका मिले तो ऐसी क्या चीज होगी जो आप बदलना चाहेंगे अपने बारे में? मेरे बारे में मैं बदलना ये चाहूंगा कि मैं जिस तरह से बचपन से मैं एक्टिंग करते आया हूँ, साथ साथ में अगर मुझे संगीत की भी तालीम अगर मिल जाती और मैं एक्टर के साथ साथ एक अच्छा गायक भी अगर बन पाता तो वो सोने पे सुहागा हो जाता। तो ये बस एक रंज है कि मैं अच्छा गा नहीं पाता हूँ। किशोर कुमार की तरह अगर मैं, सबको मुकम्मल जहां नहीं मिलता है। बिल्कुल, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन ये बात है कि ख्वाहिश तो है आपकी, बहुत अच्छी ख्वाहिश है, कि बात है कि एक्टर के साथ अगर आप सिंगर भी होते तो एक डबल। बिल्कुल। अच्छा, एक आखिरी सवाल, नियर फ्यूचर में हम आपको किसी और प्रोजेक्ट में देख सकते हैं, या आपको कोई प्रोजेक्ट आता है जो आप मना करते हैं, बिकॉज़ आप 30 दिन तो इसी में शूट करते हैं फिर भी? हाँ नहीं, प्रोजेक्ट आते तो है, लेकिन अभी जब तक ये चल रहा है तारक मेहता, तब तक तो आई विल डेफिनेटली आई एम डेडिकेटेड टू तारक मेहता, बिकॉज आई एम स्टिल एंजॉइंग इट, आई एम लविंग इट। इससे बेहतर एक कलाकार के लिए और क्या हो सकता है, कि इतना शूटिंग का इतना बढ़िया माहौल, इतने अच्छे प्रोड्यूसर, इतनी अच्छी टीम, एवरीथिंग इज यू नो, और इतना लोगों का प्यार, इतने लोगों के आशीर्वाद, तो इतना सब कुछ जब मिल रहा है तो वो छोड़ करके मैं कहीं और अगर कुछ और ढूंढने जाऊं तो फिर तो थिएटर वाले कलाकार के साथ बेईमानी हुई।